हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 14, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताया था, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन में के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जेक्ट अपीयर द सेम वाइल रोटेटिंग थ्रू वन कम्प्लीट टर्न। इट मीन्स कि एक कम्प्लीट टर्म, यानी कि है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम पूरा टर्न करते हैं, हम उसका एक कम्प्लीट टर्न होगा जब वो प्रीवियस यानी कि अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जाएगा। इट मीन्स देखिए, हम मैं आपको आगे भी बताती हूँ। इफ़ एक्स डिग्री इज़ द एंगल ऑफ रोटेशनल देन ऑब्जेक्ट लुक सेम, then the order of rotational symmetry is 360 degree upon x degree। for example, मैंने कोई square लिया, ठीक है, ये मैंने square लिया। अब इसका हमें ये वापस यानी कि ऐसा ही सेम कब मिलेगा, जब इसको हम 90 degree के एंगल पर हम मूव करेंगे। जब हम इसको 90 degree के एंगल पर मूव करते तो हमें सेम एज इट इज़ स्क्वायर हमें मिलता है, सेम एज इट इज़ स्क्वायर हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे मूव हो रहा है, तो यानी कि इसका x डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, इसका आंसर 4 आ जाएगा, यानी इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 4। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटर यानी कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब हम इसको 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो हमें इसके अलग ही मिलेगा, ठीक है। 90 डिग्री पे मूव करने पर ये थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब अलग शेप में दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 120 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे तो हम एज इट इज़ हमें ये ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे डिग्री पे मूव करना है कि हमें एज इट इज़ यही ट्रायंगल यानी कि यही शेप हमें वापस मिले, ठीक है। तो हम इसको 120 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे तो 360 अपॉन 120 डिग्री, यहाँ पर x क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 3। अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हम जब लेते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसको हम कितने डिग्री पे मूव करेंगे, यानी कि इसको हम 180 डिग्री के पर मूव कराते हैं तो हमें एज इट इज़ पैरेललोग्राम फिर से मिलता है। तो 360 अपॉन 180, देन आंसर इज़ 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 2। तो हमें इसमें ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा कि हमें इस तरीके से इस इतने डिग्री पर मूव करना है कि हमें पहले वाली जो शेप है वो वापस हमें मिल जाए, ठीक है। अगर जैसे कि मैं कोई एक और एग्जांपल लेती हूँ कि ये कोई आपको ऐसी शेप दे रखी है, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री पे अगर आप मूव कराते हो तो 90 डिग्री पे आपको ऐसी शेप मिलेगी, इसी शेप मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी। तो इसको हम 90 डिग्री और मूव कराएंगे तभी जाके हमें फिर से ऐसी शेप वापस मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 90 प्लस 90, 180 डिग्री पे मूव हो रहा है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 360 अपॉन 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3। तो ऑर्डर ऑफ सॉरी आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा इसका, 2। I hope all of you have understood this concept. Thank you.